चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भी वीडियो। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए blogger.com का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम देखने वाले डैशबोर्ड। ठीक है मीन्स इसके अंदर हम लोग पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू करेंगे। इस डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या मिलता है आपको, किस तरीके आपको सेटिंग्स करना है, किस तरीके इसके अंदर आप ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हो, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बजाए ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कल ही जो हमने जो ब्लॉग बनाया था, जो ब्लॉग की वेबसाइट बनाई थी उसी के ऊपर है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके के इसके अंदर हम ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, स्टेटस क्या होने वाला है, कमेंट्स में क्या कर सकते हैं, अर्निंग्स के क्या होने वाले हैं, पेजेस के अंदर क्या कर सकते हैं, लेआउट के अंदर क्या कर सकते हैं, सभी के मेन्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं पोस्ट के बारे में। अभी पोस्ट इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी आपको पोस्ट डालना है यानी कि ब्लॉग पोस्ट करना है तो आप पोस्ट मेन्यू से आप वो डाल पाओगे। तो दोस्तों पोस्ट को डालने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा न्यू पोस्ट के ऊपर। जैसे ही इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक फॉर्म अपेयर हो जाएगा, जिसके अंदर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा और एक जो वर्डपैड में जो पेज होता है उस तरीके का वहाँ पे वो पेज मिलेगा, जिसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको करेक्ट कर देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जैसे कुछ भी मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको यहीं पे ऐसा लिख देता हूँ। अभी इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, अभी इसको कॉपी करके सेम वो पेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी ये हो गया, तो ये हो गया हमारा, ये कॉपी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, लेबल्स है, पब्लिश ऑन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेबल्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं किसी भी पोस्ट का। आइडेंटिटी मतलब जो पोस्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं फ्रेंड्स वो किस मेन्यू के अंदर होना चाहिए वो वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में सामने में पढ़ने वाले। तो फिर उसके बाद पहले हम लोग यहाँ पर कुछ टेबल टेक्स्ट डाल देते हैं, जैसे कि टेक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये टेक डाल दिया, अभी इसको बंद कर देते हैं। अभी नीचे में देख सकते हो पब्लिश ऑन करके और एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि आपको डेट दिखाई देता है। तो उसके बाद परम लिंक, जहाँ से आप अपने ब्लॉग को किसी भी इसके ऊपर शेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका लोकेशन, यानी कि कौन से लोकेशन पे आपने ये पोस्ट किया है। और फिर उसके बाद आता है बाकी के ऑप्शन, जिसके अंदर अलाउ वगैरह, डिनाई वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको हम लोग सबसे पहले पब्लिश कर देते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसको पब्लिश करने से पहले हम सबसे पहले एक इमेज लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिल जाता है, इंसर्ट इमेज करके वहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको कोई भी एक चूज़ करना है। तो मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से चूज़ करता हूँ। फिर यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को फाइल सेलेक्ट करना है, तो फाइल सेलेक्ट करें, चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको जो कंप्यूटर की जो फाइल्स है वो आपको दिखाई देंगी इसके ऊपर। तो यहाँ से मैं कोई भी एक फाइल चूज़ करो, फॉर एग्जांपल ये, फिर उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फिर फ्रेंड्स ये अपलोड हो रहा है फ्रेंड्स। अभी जैसे ही अपलोड हो जाएगा, इसको अपलोड होने के बाद फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करके, डायरेक्ट सिलेक्ट करके हम लोग इसको पेस्ट कर यहाँ पे व्यू कर देंगे। ये हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है अभी। तो अभी इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सिलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। अभी हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, अभी इसको अपलोड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो इमेज थी वो हमने पोस्ट के ऊपर डाल दी है। अभी आप इसको अगर टेक्स्ट के ऊपर अगर डालना है तो आपको सबसे पहले डालना पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं करता फ्रेंड्स, जब आप एक्चुअल में पोस्ट देखोगे तो वो वैसे दिखेगा। तो अपन अभी पब्लिश कर देते हैं इसको। तो पब्लिश के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, तो इसको कन्फर्म कर दीजिए। फिर कन्फर्म करने के बाद इसको फिर ये अपलोड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पब्लिशिंग पोस्ट करेगा और फिर ये हो गया फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे देखिए जो लेबल दिखाई दे रहा है वो हमने वही लेबल है फ्रेंड्स जो हमने पोस्ट के अंदर डाला था। तो वो टैग के नाम से आ गया है, तो वो वही अभी वहाँ पे दिखेगा टैग के अंदर। तो पहले सबसे पहले वो ब्लॉग व्यू कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, आगे हम हमारे ये ब्लॉग, तो इसके अंदर आप देख सकते हो हमारे किस तरीके का ब्लॉग अपलोड हो चुका है। यहाँ पे ये टाइटल आ गया फ्रेंड्स, जो हमने टाइटल डाला था वो आ गया था, जहाँ पे वो हमने पब्लिश देखा था तो वो पब्लिशिंग का डेट आ गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो इमेज थी डाली थी वो आ गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद नीचे में जो हमने कंटेंट पोस्ट किया था वो आ गया। फिर उसके नीचे आपको पोस्ट कमेंट, यानी कि कोई भी अगर यूज़र अगर आपको कमेंट करना चाहे तो वो पोस्ट कमेंट से कर सकता है। फिर उसके बाद आता है आपको साइड में रीड मोर करके, अगर आपको डिटेल में इस पोस्ट को पढ़ना है तो आप यहाँ से रीड मोर पे ऊपर क्लिक करने के बाद वो पढ़ पाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का हमारा ये पोस्ट का हो जाता है फ्रेंड्स। अभी हम लोग चलते हैं सेकंड इसके ऊपर, जो है हमारा स्टेट्स, यानी कि स्टेटस, यानी कि जो अपना पूरे जो ब्लॉग का जो ये रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो दिखाई देता है। तो सब यहाँ पे देखिए फॉलोअर्स दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यानी कि आपके वेबसाइट के ऊपर कितने मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन लिया है वो यहाँ पे दिखाई देता है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद आता है यहाँ पे पोस्ट, तो पोस्ट के अंदर जैसे ही जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे, यानी कि जितने भी पोस्ट आपने अपलोड किए तो यहाँ पे वो दिखाई दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कमेंट्स, फिर उसके बाद नीचे में आप देख सकते हो वहाँ पे कितने व्यूज़ आए वो आप देख सकते हो, यस्टरडे, दिस मंथ, लास्ट मंथ, जितने भी आपको व्यूज़ दिखा देंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके नीचे आपको मिल जाता है लेटेस्ट पोस्ट के नाम से, जिसके अंदर आपने जो रिसेंटली जो पोस्ट किया है, जो लेटेस्ट पोस्ट किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई देता है जिसके हिसाब से आपकी जो रीच है, यानी कि जो आपका जो पोस्ट है वो कितने लोगों ने देखा वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स जो आपका जो वेबसाइट का जो रीच है फ्रेंड्स, कितने व्यूज़ मिले आपके वेबसाइट के ऊपर वो यहाँ पे दिखाई देता है फ्रेंड्स, जिसके अंदर आपको पूरा ग्राफ दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर नीचे में आपको पोस्ट दिखाई देता है, जिसके अंदर आपको पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे पूरे के पूरे दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है पेजेस, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी सारे, यानी कि आपके वेबसाइट के अंदर कितने पेजेस आपने बनाए हैं वो आप भी दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स कमेंट्स के ऊपर, जो कमेंट्स के अंदर जो मेन्यूज है वो जितने भी आपके वेबसाइट के ऊपर जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पर पूरे दिखाई देंगे। इसके अंदर जितने भी कमेंट्स रहेंगे पूरे वेबसाइट के अंदर किसी भी ब्लॉग के थ्रू, तो वो आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे आपको किसी को रिप्लाई करना है तो वो यहीं से कर सकते हो, किसी को रिपोर्ट करना है तो यहीं पे कर सकते हो, अगर किसी ने आपको किसी वीडियो का लिंक शेयर किया है तो वो उसको यहाँ से आप फ्लैग भी कर सकते हो, तो वो फिर वो कंपनी की तरफ जाएगा, फिर वो वहाँ से वो उस यूज़र को ब्लॉक कर देगा। फिर इस तरीके के इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स अर्निंग्स, अर्निंग्स के अंदर है फ्रेंड्स आपको इसके अंदर जो गूगल का जो एडसेंस है वो यहाँ पे लिंक करना पड़ता है, लेकिन ये अभी मैं नहीं बताऊँगा फ्रेंड्स, आगे की वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा किस तरीके का आपको इसके अंदर लिंक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स पेजेस, पेजेस के अंदर हम कितने हम लोग पेजेस, यानी कि जो भी मेन्यूज हम लोग इस वेबसाइट के अंदर बनाएंगे वो पूरे के पूरे पेजेस के अंदर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो मेन्यूज़ के अंदर कितने पेजेस डालने हैं तो वो इस पेजेस टैब से आएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, न्यू पेज के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी हम लोग डिटेल रिव्यू करने हैं फ्रेंड्स, डिटेल इसका अंदर इसका जो ट्यूटोरियल है वो हम लोग देखने वाले सामने में। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स पेजेस के बाद आता है लेआउट। अभी लेआउट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, अब लेआउट के अंदर पूरा जितना भी आपका वेबसाइट रहेगा उसका पूरा का पूरा, यानी कि कौन से मेन्यूज़ कहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि आप ये साइड बार दिख रहे हो तो उसका जो साइड बार है ये आपको वेबसाइट के अंदर आपको जो थ्री लाइन्स दिखाई दे रही होंगी उसके अंदर आपको वो साइड बार दिखाई दे, वो टॉप वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी साइड बार हो गया। अभी इसके अंदर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो सर्च टॉप है फ्रेंड्स वो भी मिल जाता है यहाँ पे सर्च बार का। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च का आइकॉन है, इसके अंदर जैसे क्लिक करोगे तो आपको सर्च बार में दिखाई देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड बार बॉटम, तो ये अभी फ़िलहाल में आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी मेन्यूज़ नहीं डाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही यहाँ पर हम कुछ भी मेन्यूज़ डालेंगे तो वो वहाँ पर दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स हेडर। हेडर के अंदर हमारे जो नाम रहेगा, जो वेबसाइट का नाम है वो दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेक डेमो के नाम से, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन, यानी कि किसी भी यूज़र का अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है आपके इस वेबसाइट का तो वो यहाँ से ले सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली उसको क्या करना है, वेबसाइट का अपने जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालना है और सब्सक्राइब करना है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स पेज लिस्ट, जिसके अंदर आप पूरे के पूरे, यानी कि जितने भी आपके वेबसाइट के अंदर पेजेस रहते हैं वो यहाँ से आपको यहाँ से दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स एड्स, इसके अंदर आपको जितने भी गूगल के एडसेंस से जो एड्स आती है वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद आया फ्रेंड्स पेज बॉडी,
जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर पोस्ट मिल जाते हैं। ठीक है मैं इसके अंदर जो मेन मेन पोस्ट है वो दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर उसके नीचे में पॉपुलर पोस्ट है, एट्रीब्यूशन है, तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर पाओगे। ठीक है बस, तो इस तरीके का ये इसके अंदर आपको लेआउट का सेक्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप हर एक सेक्शन के थ्रू आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स थीम्स। फिर थीम्स के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, थीम्स के अंदर आपका जो ओवरऑल जो डिज़ाइन होता है आपके ब्लॉग का, आपके जो ब्लॉग की जो वेबसाइट है उसका डिज़ाइन जो होता है वो यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। अभी फ्रेंड्स जो भी आपको करना है फ्रेंड्स, जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर अगर आप कुछ भी अगर नेक्स्ट का अगर कुछ और अगर थर्ड पार्टी अगर आपको थीम डाउनलोड करना है अगर वो यहाँ से अपलोड करना है, या उस थर्ड पार्टी डिज़ाइन को अगर आपको इसके अंदर यूज़ करना है तो वो भी आप कर पाओगे। तो वो भी हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून कीजिएगा। और इसके अंदर जो डिज़ाइंस दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स वो उसके अंदर आपको काफ़ी सिंपल डिज़ाइन दिखती है, जो कि काफ़ी अच्छी तो है फ्रेंड्स, नॉर्मल है लेकिन काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, इसके अंदर आपको इतना अट्रैक्टिव नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो या फिर थर्ड पार्टी यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आपको इसके अंदर काफ़ी सारे थीम्स मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें से यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप थर्ड पार्टी से भी डाउनलोड करके आप इसमें अपलोड करके आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट मेन्यू वो है सेटिंग। अभी सेटिंग के अंदर भी आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं रिलेटेड टू अपने ब्लॉग के, तो यहाँ पे भी आपको देखिए टाइटल मिल जाता है अपने इसका, डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, ब्लॉग लैंग्वेज मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से ब्लॉग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, जिस लैंग्वेज में आपको टाइप करना है, हिंदी में टाइप करना है, मराठी में टाइप करना है, इंग्लिश में टाइप करना है, किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ से क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे आपको लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। ठीक है मीन्स यहाँ पे आप जो भी आपको आपकी जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इंग्लिश ही रहने दे सकते हो। ठीक है मीन्स, तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से काफ़ी सारे सेटिंग्स मिल जाती है इसके अंदर, जैसे कि ये पब्लिशिंग के अंदर ब्लॉग एड्रेस हो गया। ठीक है मीन्स, इसके अंदर आपको अगर अपने URL चेंज करना है आपके ब्लॉग का, आपके ब्लॉग वेबसाइट का, तो इसके अंदर से आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे देखिए कस्टम डोमेन से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है मीन्स, तो वो भी कैसे चेंज करें वो भी मैं आपको बताने वाला। फिर उसके बाद आता है HTTPS, यहाँ पे आपको HTTPS रिडायरेक्ट करना है तो वो भी आप कर पाओगे। ठीक है मीन्स, ये सिक्योर कनेक्शन के लिए होता है HTTPS। ठीक है मीन्स, S मीन्स सिक्योर और HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से ये रहता है फ्रेंड्स, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर रहती है और कहीं से भी वो हैक नहीं होती है। ठीक है मीन्स, तो ये सब इसके अंदर सेटिंग्स होती है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद इसके अंदर परमिशंस वगैरह और भी बहुत सारे सेटिंग्स होती है, लेकिन इन सेटिंग्स को आपको हाथ भी नहीं लगाना है। ठीक है मीन्स, क्योंकि ये जो सेटिंग्स होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है आपकी वेबसाइट के रिलेटेड, अगर यहाँ पे आप कुछ भी करते हो तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम आ सकता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन का भी मिल जाता है, यानी कि अगर आप इनेबल कस्टम मोनेटाइजेशन, यानी कि अगर आप कस्टम मोनेटाइजेशन लगा सकते हो अपने हिसाब से तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है मीन्स, किसी की लिंक होंगी, किसी का बैनर एड्स अगर चलाना होगा तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है मीन्स, तो बहुत सारी इसके अंदर सेटिंग्स मिल जाती है, तो इस सेटिंग्स को छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है मीन्स, तो चलते अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू वो है रीडिंग लिस्ट। तो फ्रेंड्स ये रीडिंग लिस्ट उतना कोई खास नहीं है फ्रेंड्स, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ब्लॉगर के रिलेटेड, इसके अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं सब कुछ आपको इसमें ये मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हमारा लास्ट मेन्यू व्यू ब्लॉग, यहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट अपना ब्लॉग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब था हमारा डैशबोर्ड फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपने सब कुछ ध्यान से देख लिया होगा कि क्या किसके अंदर हमको किस तरीके के चेंजेस करने, किस तरीके से हम लोग इसके अंदर पोस्ट डाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसके अंदर अपना ओवरऑल जो स्टेटस है अपने वेबसाइट का वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अर्निंग्स किस तरीके का करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पेजेस कैसा करना है इसके अंदर वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेआउट कैसे इसके अंदर सेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इसके अंदर होने वाला है फ्रेंड्स, जैसे कि थीम कस्टमाइजेशन, इसके अंदर आप थीम कैसे अपलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मैं कल के वीडियो में आने वाला है फ्रेंड्स Part 3 के अंदर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून कीजिएगा। और भी बहुत सारे इसके अंदर आपको वीडियोज़ मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक मेन्यू को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो में, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना हो blogger.com के रिलेटेड, तो आप कमेंट में #AskAshish डाल के आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।